जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और आज के पावन पर्व और बहुत ही शुभ तारीख की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसके यहाँ भी ठाकुर सेवा होती है या जगन्नाथ जी की पूजा होती है वो सब जानते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व होता है। तो आज हम बना रहे हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए, वहाँ का 56 भोग में जो एक भोग होता है कनिका भात। हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत सिंपल होती है। 1 कप बासमती चावल ले लेंगे और 1/4 कप हम चने की दाल ले लेंगे। दोनों को 2 घंटे के लिए भिंगा देंगे, अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। ऑथेंटिकली ये जो है किसी भी हांडी या खुले बर्तन में ये चावल और दाल पकाया जाता है, लेकिन थोड़ा समय की कमी की वजह से हमने इसको प्रेशर कुक कर दिया है, लेकिन सिर्फ 70% ही इसको हमें पकाना है। तो इसमें हम पानी डालेंगे, करीब 1.5 कप के करीब पानी डाला है। 1 चम्मच हम इसमें देशी घी डालेंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे। ध्यान रखेंगे कि पूरी तरीके से दाल चावल अच्छी तरह से गल नहीं जाए, नहीं तो जब आगे हमें और कुकिंग प्रोसेस इसका करना है तो बहुत ही मैशी हो जाएगा। अब हमने वहाँ पे ट्रेडिशनली ये मिट्टी के बर्तन में ही ये प्रसाद बनाया जाता है, ये भोग बनाया जाता है। प्रसाद तो बाद में होता है, पहले भोग होता है। तो ये जो भोग बनाया जाता है ये मिट्टी के बर्तन में ही वहाँ बनाया जाता है। वहाँ वाली बात तो हम घर पे नहीं ला सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हम भी घर पे अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो थोड़ा मन में ऐसी ही भाव ला करके ये एक प्रयास कर रहे हैं ठाकुर जी का भोग बनाने का। तो कढ़ाई जैसे ही हमारी ये गर्म हुई, इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच घी का डाल दिया है। देशी घी का ही यूज़ करिएगा और हो सके तो गाय के घी के ही का ही यूज़ करिएगा। घी गर्म हुआ है तो उसमें 1 छोटा टुकड़ा हमने दालचीनी का डाल दिया था, 2 छोटी इलायची डाली थी और 2 लौंग डाल दी थी, 1 तेज़पत्ता था और 1/4 चम्मच के करीब हम जायफल का यानी नटमेग जो होता है वो डाल देंगे। थोड़ा सा जैसे ही वो भुना है मसाला, इसमें हमने थोड़े काजू और किशमिश, इन दोनों को हमें फ्राई कर लेना है जब तक कि एक अच्छा सा सुनहरा सा कलर ना आ जाए। जैसे ही इसमें ये कलर आएगा तब हम अपने चावल और दाल जो हमने अभी पकाए थे, और आप देख सकते हैं कि कितने खड़े खड़े से दिख रहे हैं ना, मतलब कि चावल तो वैसे काफ़ी कुछ पक चुका है लेकिन दाल में अभी कसर बाकी है, तो इतना ही हमको पकाना है। और अगर आपके पास समय हो तो आपको यही सलाह देंगे कि इसको आप खुले बर्तन में बनाएं, मतलब कि जिस तरीके से जो हम चावल दाल पसारने वाला बनाते हैं ना, उस तरीके से इसको बनाइएगा। और फिर इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा, तो अगर आप उस तरह से बना रहे हैं ना, तो आप इसमें 2.5 कप के करीब पानी डाल दीजिएगा और फिर पकाइए इसको। तो आपके चावल मतलब जब हल्के पके हों 80%, तो आप उसका पानी हटा दीजिएगा। अब हम इसको भूनेंगे और इसके बाद इसमें हमने 3/4 कप के करीब जो रेगुलर शुगर होती है वो डाल दी है। आप चाहें तो इसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर गुड़ डालना हो तो थोड़ा घिस लीजिएगा अच्छी तरीके से और तब इसमें डालिएगा। अब इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हमने जब हम दाल चावल अपना चढ़ा रहे थे तब उस टाइम हमने थोड़े से दूध में, थोड़े गरम दूध में थोड़े केसर के धागे भिंगा दिए थे, जिससे कि जो हम डालेंगे तो इससे कलर भी बहुत नेचुरली बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा और खुशबू और स्वाद तो बढ़ ही जाएगा केसर के डालने से। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें हम वो केसर वाला दूध डाल देंगे। तो जब तक हम ये केसर वाला दूध डाल करके फिर से मिक्स करते हैं, आप एक काम कर लीजिए कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रसाद की रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अब हमने इसके में दूध डाल दिया है और अब हम इसको ढक करके 7 से 8 मिनट के लिए केवल पकाएंगे। फ्लेम बिल्कुल लो रहनी चाहिए, मिट्टी के बर्तन में बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी फ्लेम बिल्कुल लो होगी ही होगी। किसी और बर्तन में बना रहे हैं तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। बीच में इसको मैंने 1 या 2 बार चलाया था, क्योंकि इसमें हमने और कोई ऐसा लिक्विड नहीं डाला है तो नीचे चिपक ना जाए आपके चावल, इसलिए बीच में 1-2 बार बहुत हल्के हाथ से चला दीजिएगा। और इसको जब मिक्स करिए तो अपना बहुत ही लाइट हैंड से इसको मिक्स करिएगा, नहीं तो बिल्कुल मैशी से हो जाएंगे, फिर ये खिले खिले से अच्छे नहीं लगेंगे।
हमने गैस ऑफ कर दी है, हमारा ये जो कनिका भात है बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये प्रसाद थोड़ा सा और फ्लेवर बढ़ाने के लिए हमने आधा चम्मच इसमें केवड़ा जल डाल दिया था, टोटली ऑप्शनल है। वैसे ये ऑथेंटिक जो प्रसाद जो भोग बनता है उसमें ये नहीं डलता है। बस ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता वगैरह और डाल दीजिए, तुलसी का दल रखिए और लीजिए, हमारा भोग बन करके तैयार है। जगन्नाथ जी को लगाइए और फिर ये प्रसाद सभी में बांटिए, खुद भी खाइए और सबको खिलाइए। होप करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय जगन्नाथ।